कार्यक्रम में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति श्री एन वी रमन्ना जी, जस्टिस श्री यू यू ललित जी, जस्टिस श्री डी वाई चंद्रचूड़ जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी और देश के कानून मंत्री श्री किरण जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजिस, हमारे साथी राज्य मंत्री श्रीमान एस पी बघेल जी, हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजिस, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरीज, सभी सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, भारत की न्याय व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे आप सभी के बीच आना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन बोलना जरा कठिन होता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरीज की ये इस तरह की पहली नेशनल मीटिंग है और मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुभ शुरुआत है, मतलब ये आगे भी चलेगा। आपने इस तरह के आयोजन के लिए जो समय चुना है, ये समय भी सटीक भी है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। आज से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ये समय हमारी आजादी के अमृतकाल का समय है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस आयोजन के लिए विशेष करके ललित जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहां न्याय की संकल्पना में कहा गया है, अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम, न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सब यहां संविधान के एक्सपर्ट्स और जानकार हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहां सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है
कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही है। इसी सोच के साथ देश ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसकी स्थापना भी की, ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय का अधिकार मिल सके। विशेष रूप से हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हमारे लीगल एड सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए जुडिशियल सिस्टम का एक्सेस जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जस्टिस डिलीवरी भी है। इसमें एक अहम योगदान जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में कोर्ट हॉल्स की संख्या भी बढ़ी है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में ये तेजी जस्टिस डिलीवरी को भी स्पीड अप करेगी। साथियों, दुनिया एक अभूतपूर्व डिजिटल रिवॉल्यूशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कुछ साल पहले देश जब भीम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहेगा, लेकिन आज हम गांव गांव में डिजिटल पेमेंट होते देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, उसमें 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी और ठेले वाले लोगों से लेकर गांव गरीब तक डिजिटल पेमेंट अब हर व्यक्ति के लिए सहज दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो, तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर अडॉप्ट किया, वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। इस बात का प्रमाण है कि हमारी न्याय व्यवस्था न्याय के प्राचीन भारतीय मूल्यों के लिए भी प्रतिबद्ध है और 21वीं सदी की रियलिटीज के साथ मैच करने के लिए भी तैयार है। इसका श्रेय आप सभी महानुभावों को जाता है। मैं आप सभी के इस प्रयासों की सराहना करता हूं। साथियों, सामान्य मानवीय तक जस्टिस डिलीवरी के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को भी टेक्नोलॉजी की इस ताकत का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना होगा। एक आम नागरिक संविधान में अपने अधिकारों से परिचित हो, अपने कर्तव्यों से परिचित हो, उसे अपने संविधान और संवैधानिक संरचनाओं की जानकारी हो,
रूल्स और रेमेडीज इसकी जानकारी हो, इसमें भी टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। पिछले साल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने लीगल लिटरेसी और अवेयरनेस के लिए पान इंडिया आउटरीच कैंपेन लॉन्च किया था। इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके पहले 2017 में प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। इसमें मोबाइल और वेब एप्स के जरिए लीगल सर्विसेज को आम लोगों के लिए एक्सपांड किया गया था। इस तरह के प्रयासों में अभी अथॉरिटीज एक कदम और आगे बढ़कर नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगी तो जनता का और हित होगा। साथियों, आजादी के 75 साल का यह समय हमारे लिए कर्तव्य काल का समय है। हमें ऐसे सभी क्षेत्रों पर काम करना होगा जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं। देश में अंडर ट्रायल कैदियों से जुड़े मानवीय विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी कई बार संवेदनशीलता दिखाई गई है। ऐसे कितने ही कैदी हैं जो कानूनी सहायता के इंतजार में वर्षों से जेलों में बंद है। हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज इन कैदियों को कानूनी सहायता देने का जिम्मा उठा सकती है। आज यहां देश भर से डिस्ट्रिक्ट जजेज आए हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के चेयरमैन होने के नाते अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं। वैसे मुझे बताया गया है कि नालसा ने इस दिशा में कैंपेन भी शुरू कर दिया है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप लीगल एड के जरिए इस अभियान को सफल बनाएंगे। मैं बार काउंसिल से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान से ज्यादा लॉयर्स को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथियों, मुझे आशा है हम सभी के प्रयास इस अमृतकाल में देश के संकल्पों को नई दिशा देंगे। इसी विश्वास के साथ मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, इसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मुझे विश्वास है कि दो दिन का ये आपका मंथन जिन अपेक्षाओं और आशाओं के साथ इतना बड़ा समारोह हो रहा है उतने ही बड़े परिणाम लाएगा। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।